जय हिंद एवरीवन। तो ये सवाल बहुत बार आया है और अब ये सवाल वापस आ गया है कि अग्निवीर स्कीम का क्या होगा। और ये सवाल अब वापस इसलिए आया है क्योंकि जो रीसेंट इलेक्शन रिजल्ट्स आए उसके अंदर हमने देखा कि जो करंट गवर्नमेंट है, जो बीजेपी लेड कोएलिशन है, उसके अंदर राजस्थान की बात हो, यूपी की बात हो, और बहुत सारे क्षेत्रों के अंदर, राज्यों के अंदर द सपोर्ट दे वर एक्सपेक्टिंग, इट डिड नॉट हैपन। और खासकर उत्तर प्रदेश की अगर हम बात करें, उसके ऊपर जो जेडीयू के स्पोक्स पर्सन है त्यागी साहब, उन्होंने इस पर बात करी कि अग्निवीर स्कीम पर बातचीत होनी बहुत इंपॉर्टेंट है और एक बहुत बड़ा तबका है, एक बहुत बड़ा स्टूडेंट्स का तबका है विच इज नॉट हैप्पी द वे द अग्निवीर स्कीम वॉज इम्प्लीमेंटेड। कि वो कहते हैं कि इस पर बातचीत होनी चाहिए थी, कि जिस तरीके से पहले ही एक सोल्जर की, अगर हम एक करियर की बात करें, जो 20-25 ईयर्स एक अच्छा करियर स्पैन था, उसको सीधा 4 साल करा गया और इस पर ज्यादा डिस्कशन नहीं हुआ। और जिस तरीके से मैं बार बार बोलता हूँ कि अगर आपकी सिंगल मेजोरिटी गवर्नमेंट होती है तो उसके अंदर कई डिसीजन सही होते हैं, कई जगह कई डिसीजन खराब हो सकते हैं और कई डिसीजन डिबेटेबल हो जाते हैं, जो आपको सही लगे अपनी तरफ से, बट दे माइट नॉट बी राइट एज पर व्हाट पीपल आर एक्सपेक्टिंग। अब सिंस एक कोएलिशन की सरकार बन रही है यहाँ पर और बिहार के इलेक्शंस भी हैं, 8 से 9 महीनों के अंदर इलेक्शंस आर एक्सपेक्टेड, और बिहार के अंदर एक बहुत बड़ा तबका है, बहुत बड़ा ऑडियंस है जो इस एग्जामिनेशन को देता है। तो मैं आपको एक रैशनल तरीके से बताने की कोशिश करूंगा कि जो मेरी सोच है इस स्कीम को लेकर, क्या इसमें बदलाव होगा कि अग्निवीर स्कीम व्हाट विल हैपन नाउ। एज पर मी, जो अब सरकार बनी है वो दो इम्पोर्टेंट पिलर्स पर खड़ी हुई है, दो इम्पोर्टेंट आपके कोएलिशन पार्टनर है। और पॉलिटिक्स समझानी इसलिए जरूरी है क्योंकि अगर अगर आप इसकी पॉलिटिक्स को नहीं समझेंगे तो ये इस मुद्दे की बात ही नहीं हो रही होती। अगर करंट गवर्नमेंट की, अगर बीजेपी को 272 की सीट्स मिल गई होती तो शायद, या 272 या उससे ज्यादा, तो शायद हम इसके ऊपर बात भी नहीं कर रहे होते, बट ये नहीं हो पाया। उसके बाद यूपी के अंदर समाजवादी पार्टी ने स्कीम के ऊपर काफी सारी बातचीत रखी और काफी सारा लॉस हुआ है, राजस्थान में भी हुआ है यहाँ पर, और बिहार के अंदर भी अगर इस मुद्दे के ऊपर बातचीत नहीं गई करी गई तो लॉस होगा। और जैसा कि हम जानते हैं, पॉलिटिकल पार्टीज तभी सुनती है जब उनको वोट्स नहीं मिलते। दिस इज अ हार्ड ट्रूथ विच वी नीड टू अंडरस्टैंड। इट्स स्ट्रेट राइट, इसमें कोई लेफ्ट राइट कुछ है नहीं। आप सब, मैं भी वोट करता हूँ, आप लोग भी वोट करते हैं। तो अब मुझे ये लगता है कि अग्निवीर स्कीम के अंदर एक बातचीत करने की और जरूरत है, क्योंकि आपने फ्रॉम द पॉइंट ऑफ व्यू ऑफ एन एस्पिरेंट, फ्रॉम द पॉइंट ऑफ व्यू ऑफ एन एस्पिरेंट हु हैज बीन प्रिपेयरिंग यू फॉर इयर्स, तो ये जो सडन स्कीम आई जिसके अंदर एक तरीके से इसे इंप्लीमेंट करा गया और बहुत सारे पार्टनर्स से बात नहीं हो पाई, शायद वो अब बात हो पाएगी क्योंकि आप एक कोएलिशन गवर्नमेंट के अंदर है और उनके अपने एप्रीहेंशन है कि 4 साल कर दिया गया, पेंशन चली गई, हालांकि इसके अंदर 4 साल बाद एक अमाउंट देने की बात करी गई थी, ये भी बात करी गई थी कि सीएपीएफ के अंदर एक पर्टिकुलर परसेंटेज को इंक्लूड करा जाएगा, जो बहुत अच्छा, जिनका ट्रैक रिकॉर्ड है, दे कैन कंटिन्यू इन दी फोर्सेस, बट अगेन जो जिस तरीके की स्कीम हम पहले देखते तो वैसे तो नहीं थी। तो मुझे लगता है कि अग्निवीर पे डेफिनेटली बात तो होगी होगी। अब ये सवाल कि पूरी स्कीम को रद्द कर दिया जाएगा या 4 साल को 10 या 15 साल करा जाएगा, या इसमें पेंशन इंक्लूड करी जाएगी, या फिर फॉर दैट मैटर इसके अंदर कुछ न्यू पेंशन स्कीम से लिया जाएगा, किस तरीके का चेंज होगा वो तो टाइम बताएगा, बट आई डू एक्सपेक्ट दैट द सर्टेन चेंजेस विल हैपन। बट इसके लिए आप 3 या 6 महीने के लिए वेट करिए, बिकॉज दिस विल हैपन बिफोर द बिहार इलेक्शंस। जितना मेरी समझ है, जितनी मेरी पॉलिटिकल समझ है, कि बिहार के इलेक्शन से पहले जो 9 महीने में होने वाले हैं, या फिर अगर सरकार ने पहले वो इलेक्शन करवा दिए तो उससे पहले इसमें जरूर चेंज आएगा, क्योंकि बिहार से एक बहुत बड़ी हाई परसेंटेज ऑफ आपके स्टूडेंट्स है विच गिव देम, हरियाणा से बहुत ज्यादा परसेंटेज है विच गिव्स दिस एग्जामिनेशन। तो अगर पूरी स्कीम रद्द होती है और उसके बाद कुछ नया आता है या पुराना आता है, वो तो वक्त बताएगा, बट आई डू एक्सपेक्ट सर्टेन चेंजेस विल कम विच वुड बी गुड फॉर स्टूडेंट्स। एंड इस बार मैं एक्सपेक्ट करूंगा कि इस पर बातचीत हो, और जिस तरीके से कोएलिशन पार्टनर्स कह रहे हैं, सो दैट एवरी ओपिनियन कैन बी हर्ड फ्रॉम, सरकार का कहना है फिस्कल कंसोलिडेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से उनका कहना है, या फिर उनका कहना ये भी है कि ग्लोबली बहुत सारी कंट्रीज ने ये करा है, तो हमको ये भी देखना पड़ेगा कि उन कंट्रीज की इकोनॉमी, इंफ्रास्ट्रक्चर, या वो कंट्री जिनमें करा गया उनका थॉट प्रोसेस क्या है। तो काफी सारे सीनियर आर्मी ऑफिसर्स, नेवल एयरफोर्स ऑफिसर्स ने इस पर बात करी है, जिनका विच एग्री विद द स्कीम एंड सम ऑफ देम विच डोंट एग्री। तो एक कोहेसिव डिस्कशन के बाद अगर ये हो पाएगा तो इट वुड बी बेटर, बिकॉज पहले सरकार जब लेकर आई तो उन्होंने बोला कि हमने अपनी पूरी फौज से डिस्कस करा और इसे इम्प्लीमेंट करा, बट मेनी मेनी ऑफ दी ऑफिसर्स
वर नॉट एग्रीइंग विद दिस. आपने सबने यूट्यूब और डिफरेंट चैनल्स पर देखा होगा, सो मेनी सीनियर ऑफिसर्स स्पोक अबाउट इट. लेट्स सी व्हाट इवेंचुअली हैपेंस ऑन दिस, बट आई डू एक्सपेक्ट सर्टेन चेंजेस विल हैपन बिकॉज अब ये वोट का पॉइंट ऑफ व्यू हो गया, और जहां अगर आपसे यूथ कटता है तो वहां पर दिक्कत होती है. ठीक है, तो जैसे कि अगर मैं देखूं लास्ट कुछ सालों के अंदर, द अमाउंट ऑफ गवर्नमेंट जॉब्स विच यूज टू कम, दे आर नॉट रिलेटिवली वेरी हाई. इसका अब जैसे कि बात ये करी जा रही है कि अब प्राइवेट सेक्टर की तरफ मूव करिए, अभी भी इंडिया के अंदर टेस्ला या इतनी बड़ी कंपनीज नहीं आई है जो लार्ज स्केल में आपको जॉब्स दे पाए. जैसे आप अमेरिका की बात करोगे तो वहां पर एक कैपिटलिस्ट कंट्री है एंड दीज कंपनीज गिव ह्यूज अमाउंट ऑफ जॉब्स भी आती है. उनकी जो अगर मैं उनकी सेकेंडरी मतलब सेकेंडरी सेक्टर की बात करूँ जहाँ पर बहुत सारी कंपनीज है, भारत में अभी वो हो नहीं पाया, वो यूपी बिहार में अभी तक हो नहीं पाया है. अभी भी अगर हमें सॉफ्टवेयर की जॉब करनी होती है तो हम पुणे बैंगलोर वगैरह ही जाते हैं, नोएडा जाते हैं. अभी ये हो नहीं पाया, शायद फ्यूचर में ये हो, क्योंकि जो आपका तबका है जो स्कूल की पढ़ाई कर रहा है और उसके बाद कॉलेज की पढ़ाई कर रहा है, आपकी कॉलेज की पढ़ाई अभी अब्रॉड की कंट्रीज तक एडवांस नहीं हुई है. यस, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में जॉब है, बट भैया उसके लिए स्किल सेट चाहिए. अभी जो आपकी इतनी सारी योजनाएं चल रही है, क्या हमको इस तरीके का स्किल सेट दिया जा रहा है? क्या वो स्किल सेट अफोर्डेबल है कि हम उसे पैसे से ले सकते हैं? ये सारे सवाल हैं जो सरकार से पूछे जाने चाहिए. एज अ एजुकेटर, एज अ टीचर, ये जरूर सवाल है जो पूछे जाने चाहिए, दैट डू वी हैव द इंफ्रास्ट्रक्चर कि इन बच्चों को इस तरीके का स्किल सेट मिले. अगर नहीं मिल पा रहा है तो किस तरीके की नौकरी आप लेकर आ रहे हो? तो अगर आप सेकेंडरी सेक्टर जहां पर आपकी मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज होती है, या तो इसमें मैसिव मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज आए, प्लांट लगे, लोगों को नौकरियां मिले, वो अभी तक हो नहीं पाया है. 45-50% आपकी पॉपुलेशन आज भी एग्रीकल्चरल पे डिपेंडेंट है. डबलिंग द फार्मर्स इनकम की बात करी जा रही है, बट वो कैसे होगी? तो ये सारे मुद्दे, अग्निवीर के मुद्दे, जॉब्स के मुद्दे, ये सवाल बिल्कुल है जो मुझे लगता है आने वाले टाइम पे हमको इनके बेटर जवाब मिल पाएंगे और शायद और देश आगे बढ़ पाएगा. बट फिलहाल के लिए तो यही कि अग्निवीर में डेफिनेटली मैं एक्सपेक्ट करता हूँ बातचीत तो डेफिनेटली होगी और कुछ पॉजिटिव चेंजेस आएंगे. एंड आई होप एंड आई विश ऑल दी अग्निवीर एस्पिरेंट्स ऑल द बेस्ट. और अगर मेरी तरफ से आपका कुछ डाउट्स है मैं क्लियर कर सकता हूँ, दैट वुड बी ग्रेट.